वाजिब अल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, तहरीक साथियों, तमाम मजलूमों, खुसूसन यूथ, पर्टिकुलरली स्पेशली मुहाजिर यूथ, महाजिर तालिबे इल्म, लड़के जो तालीम हासिल कर रहे हैं, लड़कियां जो तालीम हासिल कर रही हैं, यूथ के नाम एक पैगाम मैं पहली किस्त में रिकॉर्ड करवा चुका हूं। आज यूथ के लिए ये दूसरी किस्त है। इससे पहले कि मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं, अगर कागज कलम ले लें तो मैं कोशिश करूंगा कि वाकयात जो बयान करूं और तारीखी हवाले दूं तो जरा आहिस्ता स्लो स्लो स्पीड में दूं, यानी आहिस्ता आवाज में नहीं बल्कि स्पीड मेरी स्लो हो ताकि आप लिख सकें। ये तारीख आपको शायद किताबों में न मिले, पाकिस्तान में किसी टीवी टॉक शोज में आपको ये नहीं बताया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो मैं पहले अपने कैसेट नंबर वन में जो यूथ का पैगाम है उसमें बता चुका हूं कि पाकिस्तान में सिविल हुकूमत सिर्फ तबादले, पोस्टिंग, कमीशन और इसलिए बना दी जाती है कि जमहूरियत के नाम पर मगरिब से, अमेरिका से मदद ली जा सके, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद से, बल्कि बनने से पहले भी जो बात कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्ला मरहूम को नहीं मालूम थी, कि अंग्रेज पंजाब के सरहद के, बलूचिस्तान के, सिंध के वडेरे और जागीरदारों से मामला तय कर चुका है और खुसूसन पंजाब के जागीरदार और वडेरों से तो बहुत ज्यादा कुर्बत थी। इसके अलावा पंजाब जो देखिए पंजाब के साथियों
सीमे हिंद से पहले एक पंजाब था। उसके दो हिस्से थे, एक ईस्ट पंजाब और एक वेस्ट पंजाब। यूं तो जंगे अजीम अव्वल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे ही हिंदुस्तान से लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर अंग्रेजों के दिफा के लिए, उनका साथ देने के लिए तमाम इलाकों से लोग गए थे। लेकिन मगरबी पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान बना, यहां के लोग जिस अंदाज से अंग्रेज फौज के साथ शामिल हुए और जो आजिजाना इंकसारी का और गुलामी का रवैया मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों ने इस्तेमाल किया और मुतअद्दिद जगह उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ मकामात पर हिंदुस्तान से शामिल होने वाले वो राइफलें या निशाने लगाते वक्त उन्हें मालूम था कि ये मासूम बच्चे बच्चियां औरतें हैं, इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं, तो वो दाएं बाएं कर दिया करते थे। लेकिन मगरबी पाकिस्तान के ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो बड़े बड़े खानदान हो, दौलताना हो, टबाना हो, चौधरीज हो, तीर हो, ये आपको लुहारी हो, ये जितनी फैमिलीज आपको मिलेंगी, ये सब के सब अंग्रेजों के सिर्फ नौकर ही नहीं थे, बल्कि उनके गुलामी में इस हद से गुजर गए थे कि उनके बूट पॉलिश भी किया करते थे। और मेरे यूथ के लोगों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया जब सऊदी अरब के फतह करने की बात आई तो सऊदी अरब फतह करने के बाद जो मजाहमत हुई वो काबतुल्लाह शरीफ में हुई। खाने काबा पर अब सवाल आया कि इस पर कौन हमला करता है, कौन गोली चलाता है। अंग्रेजों ने सिखों से कहा, उन्होंने मना कर दिया कि यह मुसलमानों की मुकद्दस इबादतगाह और सदियों से है, हम इस पर गोली नहीं चला सकते, सॉरी। हिंदुओं ने मना कर दिया,
हत्ता के हिंदुस्तान के ईसाइयों ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तो मगरबी पाकिस्तान की जो फौज थी, जो विरासत में आज तक हुकूमत करती चली आई है और आज भी उसकी हुकूमत है, पाकिस्तान में जितनी मैं पहले भी कह चुका हूं सिविल हुकूमतें आई वो बराए नाम दिखाने के लिए आई, इतनी छूट दी कि अपना माल बनाओ, अपने खानदान का माल बनाओ, माल कमाओ और जाओ, बाकी जो करप्शन फौज के बाज हलके के लोगों में है वो करप्शन पाकिस्तान में कहीं नहीं है। मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर के यूथ नौजवानों बच्चे बच्चियों लड़के लड़कियों तुमको ये सुनकर हैरत होगी कि रेंजर सिंह से जाति क्यों नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, रेंजर्स हर सिविल हुकूमत से मिलकर, जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बडेरे जागीरदारों की हुकूमत है, उन्हें सिंध की कोई परवाह नहीं है, उन्हें अपने जागीरों मफादात की परवाह है, लिहाजा उन्हें क्या, अगर महाजरों का कत्लेआम रेंजर्स कर रही है और इनके घर से भारी तादाद में असला निकल रहा है, दो दो अरब रुपए कैश निकल रहे हैं, भारी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, लाड़काना में पीपल्स पार्टी के एक आदमी को बड़ा नाम था जिसको पकड़ा गया, उसके पास से असला निकला, उसकी गिरफ्तारी पर उस कबीले के लोग जमा हो गए और रेंजर्स पर हमला कर दिया, सारी राइफलें छीन ली और रेंजर्स को मार भगाया। इसी दौर में मेरे साथियों, ये अभी एक साल पहले की शायद बात होगी, तो आप बताइए पीपल्स पार्टी रेंजर्स की कैसे मुखालफत करेगी, जब पीपल्स पार्टी के पानी धंधे काले करतूतों में रेंजर्स कुछ नहीं बोलती, तो पीपल्स पार्टी के वडेरे जागीरदारों को इससे क्या ताल्लुक कि सिंध का हारी मरे या किसान मरे। मुहाजरों का तो खैर आप छोड़ दीजिए, वो तो तारीख की एक ऐसी गलती है जिसको मैं बबांगे दोहल कह चुका हूं और मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं, द डिविजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज द ब्लंडर मिस्टेक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये इतनी बड़ी तारीखी गलती है, हिंदुस्तान में मुसलमान भुगत रहे हैं, बांग्लादेश में भुगत रहे हैं और पाकिस्तान में जो महाजिर हैं वो भुगत रहे हैं। यहां का कोई मकामी नेटिव इंडिजिनस, एक लफ्ज होता है इंडिजिनस के माने देख लीजिए, हम हैं माइग्रेटेड, हिजरत करके आने वाले,
जमीन के बेटे नहीं है, मुहब्ब वतन नहीं है, इंदिरा की औलाद है बकौल फौज के, बकौल रेंजर्स के जो छापे मारते हैं कहते हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की औलादों, गांधी जी की औलादों, राह के एजेंटों। तो मैं ये कह रहा था कि जब काबे पे गोली चलाने का वक्त आया तो सबने मना कर दिया, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के यही इस्लाम के शहदाई, यही इस्लाम और पाकिस्तान के नारे लगाने वाले, इन्होंने कहा जी तुसी फिकर ही नहीं करो जी, असी थोड़े ताबेदार हैं, सानू हुकुम करो जी, और इन्होंने खाने काबा पे गोली चलाई। ये पंजाबी फौज ने। मेरे साथियों, सारे पंजाबी ऐसे नहीं है, न सारी पंजाबी फौज ऐसी है। ये जो अपने सर्फ और जमीर का अमरीका, बरतानिया, वेस्ट, गैर मुल्की कुवतों से अपना सौदा कर लेते हैं और अपने मुल्क की सीक्रेट देते हैं, ये उनका मामला है। और वही पावरफुल हैं, वही ताकतवर हैं, उनके सामने आम सिपाही, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जनरल, हत्ता के बाद लेफ्टिनेंट जनरल तक मुंह नहीं खोल सकते। इतना कत्लेआम महाजरों का हो रहा था, कोर कमांडर जो अब आईएसआई के चीफ बने हैं, ये बिलाल अकबर को नहीं रोक सके। डीजी रेंजर जो था, हालांकि वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, कोर कमांडर थे सिंध के, बिलाल अकबर डीजी रेंजर्स था, मेजर जनरल था, तो मैंने आपको ये फर्क इसलिए बताया कि आपको अंदाजा हो जाए कि फौज में एक एंटी पाकिस्तान ग्रुप मफादात परस्त है, जिसका जो नाम तो पाकिस्तान का लेता है, दम तो पाकिस्तान के भरता है, लेकिन दरअसल वो मफाद परस्त है, उसे अपने आप से गर्व है, अपने खानदान से गर्व है। तो मेरे प्यारों, मेरे साथियों, नौजवानों, मैंने कहा था कि मैं जामिया कराची से शुरू करूंगा, लेकिन अगर बहुत सी अहम बातें मैं छोड़ जाऊं तो आप असल बात नहीं समझ सकेंगे। ये मखसूस बार, अब इसको फौज ये कहेगा, फौज को कह दिया तो वो जो दिल चाहे कह दे, स्याह को सफेद, सफेद को स्याह, वो कानून बन जाता है, अदालत भी वही कहती है। कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। हमारे यहां अदालत फौज के मातहत है, आजाद नहीं है। आप मुझे मिसाल बता सकते हैं कि जब जब मार्शल ला लगा, कभी मार्शल ला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बताइए बताइए। अच्छा, बुजुर्गों से पूछ के बताइए, किसी मार्शल ला को
गद्दारी करार देकर किसी मार्शल्ला लगाने वाले को सजाए मौत की सजा दी, जो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक ट्रीजन में आती है, गद्दारी में आती है। मैंने मुल्क तोड़ा नहीं, अपने शहीद साथियों की मस्त शुदा लाशें देखकर पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दिया, फिर माफी भी मांगी, गलती का एहसास हुआ। तो मैं आज तक गद्दार, और जिन्होंने बार बार आईन तोड़े वो आज भी सबसे ज्यादा वफादार है। बखुदा इंटरनेशनल अदालत लगे तो फौज सबसे बड़ी मुजरिम करार दी जाएगी। पूरी फौज नहीं, फौज के बिगाड़ करने वाले, मुल्क की तबाही बर्बादी लाने वाले, मेरे भाइयों, यूथ, तो मैं ये बता रहा था, कल मैंने पहले कैसेट नंबर वन में बताया कि लियाकत अली खान को लियाकताबाद में शहीद कर दिया गया। वहीं से मैं चलता हूं। आइए चलते हैं रावलपिंडी, सूबा पंजाब, जहां मिलिट्री का जनरल हेडक्वार्टर है, GHQ है। आइए चले, तसव्वुर में चलिए, चले पिंडी पहुंच जाएं। अक्टूबर 1951, अब मैं अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए कहता हूं, 16 अक्टूबर 1951, जलसा आम था। रावलपिंडी के, जिसे आज लियाकत बाग कहते हैं, पहले इसका नाम था कंपनी बाग। क्या नाम था? कंपनी बाग। लियाकत अली खान की तकरीर जारी थी। अब आप देखिए, फौज के चंद लोगों ने साजिश बनाई कि लियाकत अली खान का कत्ल करना है। मैं 101% यकीन से कहता हूं कि फौज के जर्नैलों ने बाज लियाकत अली खान के कत्ल की साजिश
तैयार की थी। पहली सफ में उमूमन डिग्नेटरीज को बिठाया जाता है, वहां पर एक साध साध एस डबल ए डी लिखो एस डबल ए डी अकबर और फिर लिखो बबरक बबरक साद अकबर बबरक ये अफगान नेशनल था। इसने अफगानिस्तान से इंडिया जाकर असाइलम ली, इंडिया ने उसे एबटाबाद जहां से असामा बिन लादन को अमरीकी निकाल के ले गए, वहां पे साद अकबर को पहले रखा हुआ था और हुकूमत पाकिस्तान साद अकबर को 450 रुपए महाना देती थी। उस जमाने में 51 में 450 का आप अंदाजा करते हैं, ये तो वो रकम है जो महाना मिलती थी उसको, और इजाफी का तो आप छोड़ ही दीजिए। तो साद अकबर को डिग्निट्रीज की रॉ में अगली नशिस्त पर बिठाया गया ताकि निशाना चूके ना, और बासानी वो लाजियाकत अली खान को गोली मार सके, उन्हें शहीद कर सके। साद अकबर ने उन पर गोलियां मारी जो उनके सीने में बेवस्त हो गई। लियाकत अली खान के पीछे बिल्कुल जस्ट बिहाइंड खान लियाकत अली खान देयर वॉज अ गार्ड स्टैंडिंग देयर खान नजफ खान। कौन था लियाकत अली खान के पीछे? खान नजफ खान, ये सुपरिटेंडेंट पुलिस था। कौन था? सुपरिटेंडेंट पुलिस। जैसे ही गोलियां चली, खान नजफ खान ने चिल्लाकर हुक्म दिया फौरन साद साद अकबर को हलाक कर दिया जाए। जिंदा क्यों नहीं पकड़ा? इसलिए नहीं पकड़ा कि इंक्वायरी होती तो असल नाम आते। मेरे यूथ, तुम कहते होगे अल्ताफ भाई जो प्रोपेगेंडा होता है उसका
का असर तो धारान होता है, तुम लोगों पे भी होता होगा। यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों, कॉलेजों के लड़के लड़कियों, तुम लोग भी बहक जाते होगे कि अल्ताफ भाई ने तो बड़ा नुकसान कर दिया, अल्ताफ भाई ने तो हालात खराब कर दिए, क्योंकि टीवी पे आप लोग सुबह शाम वही सुनते हैं। लेकिन ये टीवी पाकिस्तान बनने के बाद से इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। मैं साबित करूंगा ना, मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगाता। तो वहां पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह था, जहां साद अकबर था वहां उसके साथ में मोहम्मद शाह सब इंस्पेक्टर था। जैसे ही सुपरिटेंडेंट पुलिस खान नजफ खान का ऑर्डर आया साद अकबर को मारवाओ, ऐसे ही मोहम्मद शाह ने सब इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकाली और सबूत मिटा दिया और साद अकबर को मार दिया। अब मैंने आपसे अभी कहा कि आप टीवी के टॉक शोज और प्रोपेगेंडे में दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय पंजाबी, फ्यू पंजाबी इलीट्स। देखिए जब मैं कहता हूं पंजाबी तो सब लेते हैं अपने ऊपर, सारे पंजाबियों को मैं कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं चंद पंजाबियों ने पूरे पंजाबियों को बदनाम किया हुआ है। जो रूल कर रहे हैं, जिनके हाथ में ताकत है, जो बिके हुए थे अंग्रेज के जमाने में और आज भी बिके हुए हैं, टेलीविजन को तो आप छोड़ दीजिए, मैं आपको दावत देता हूं, आप में से जिसके भाई बहन वालिद पैसे वाले हो, उसको दुनिया के एक हिस्से में उनको भेजे एक हिस्से, दुनिया के अगर छह हिस्से कर लें तो छह ग्रुप बना लें, छह ग्रुप बनाकर वहां भेजे जो जाने की इस्तेतात रखते हो, जिनके पास पैसा हो, कि सिर्फ आप जाइए और जाके आप वहां पाकिस्तानी कौंसलेट जितने भी हैं या एम्बेसीज हैं उसमें आप चले जाइए, या नादरा के जो कार्ड बनाते हैं वहां चले जाइए। मेरी माओ बहनों, सिंधियों, पठानों, हमने बादशाह खान के फलसफे को का सौदा कर लिया है, बहुत अफसोस है। बलोचों, तुम्हारे सरदारों ने भी सौदा कर लिया है, वरना तीन सूबे अगर मिलके आवाज उठाते, और सिंध के तो भुट्टो को मारा फिर बिक गए, मुर्तजा को मारा बिक गए, शाहनवाज को मारा बिक गए, बेनजीर को मारा बिक गए,
इनका खून बेच दिया तो ये तुम्हारा क्या ख्याल करेंगे सिंधी भाइयों। मैं आता हूं, आज आप जो टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, टीवी टॉक शो देखते हैं, उसमें जो देखते हैं वो इससे पहले भी होता था, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। पूरे दुनिया के हर मुल्क में चले जाएं, वहां की एम्बेसीज के दफातर में जाएं पाकिस्तानी, वहां की कॉन्सुलेट ऑफिस में जाएं पाकिस्तान के, अगर आप मुझे 90% हर जगह पूरे पाकिस्तान में 95% सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग इससे कम नजर आए आपको, तो मैं आपको उतने पॉइंट इनाम दूंगा। आपको कहीं हाल हाल सिंधी नजर आ जाएगा, कहीं उर्दू स्पीकिंग, कहीं बलोच, कहीं पख्तून, हाल हाल ऐसा लगता है पाकिस्तान पाकिस्तान बलोचों का नहीं, सिंधियों का नहीं, पख्तूनों का नहीं, सिर्फ पंजाबियों का है। तो मेरे साथियों, आइए अब मैं आपको बात बताता हूं कि टेलीविजन पर कौन है, टेलीविजन पे कितने उर्दू स्पीकिंग। कराची से टेलीविजन निकला, मुहाजिरों ने निकाला, टेक ओवर करके ले गए पंजाब, तबाह कर दिया पाकिस्तान टेलीविजन को। टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री कराची में थी, इंडिया का मुकाबला कर रही थी, उठा के ले गए पंजाब, तबाह कर दिया फिल्म इंडस्ट्री को। अभी आता हूं बैंकों का भी आता हूं और चीजों का भी आता हूं, सनतों का भी आता हूं, लेकिन मैं बात हो रही है टीवी टॉक शोज की, अखबारात की, इसमें जो खबरें आती हैं, 90% लिखने वाले एजेंसियों के एजेंट होते हैं और वो पंजाबी होते हैं, उर्दू स्पीकिंग होते हैं वो भी पंजाबियों के एजेंट होते हैं, वो भी एजेंसियों के पेरोल पर होते हैं। लियाकत अली खान को जब गोली मारी गई 16 अक्टूबर को, आइए मैं बताता हूं, टू डेली लीडिंग न्यूज पेपर थे, डेली अमरोज, डेली जमींदार, इसके अलावा पाकिस्तान टाइम्स और मिलिट्री गजट, ये अखबार निकला करते थे। 17 अक्टूबर को इन तमाम बशमूल आर्मी गजट के किसी में लियाकत अली खान के कत्ल की तस्वीर तक नहीं थी, तो तुम्हारे कायद की तस्वीर पे पाबंदी लगा दी, तो तुमसे पहले कायद के आबा व अजदाद के साथ क्या किया है इन्होंने। ये वही लोग हैं, वही टीवी एंकर पर्सन है जो खुदा की कसम झूठ बोलते हैं, मकर करते हैं, फरेब करते हैं, धोखा देते हैं। मैं नहीं चाहता था इन बातों को निकालना, लेकिन मेरे लोगों का कत्लेआम जारी है, मेरे बुजुर्ग को किस डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ को रेंजर
इसलिए कि रेंजर्स लोगों को धमकियां देती है, घरों पे जाती है, ब्रिगेडियर जाते हैं, कैप्टन जाते हैं, खुदा की कसम, रसूल की कसम जाते हैं और जाके धमकी देते हैं, फला ग्रुप में शामिल हो जाओ, फला ग्रुप में, वरना मरने के लिए लाश उठाने के लिए तैयार हो जाओ, या जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर अपने बच्चों को रिहा करवाना है तो हमें इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। रेंजर्स महाना 15 अरब से 20 अरब रुपए महाना रेंजर्स की कराची से आमदनी है। और अगर रेंजर्स वाले इनकार करेंगे तो इनकार करें, फिरौन भी इनकार करता था सच का, श्रद्धा भी करता था, हामान भी करता था, नमरूद भी करता था। आपको अंदाजा हुआ साथियों कुछ? आइए, कॉपी पेंसिल तो आपके हाथ में है, बोर तो नहीं हो रहा साथियों? एक इजाफी सवाल है, जरा हटके है मौजू से, सवाल लिख लीजिए। क्या पाकिस्तान में किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हुकूमत का तख्ता, सिविल हुकूमत का तख्ता पलटने, मार्शल ला नाफिज करने पर किसी को हाउस अरेस्ट किया गया, किसी को जेल भेजा गया, किसी को सजा हुई, किसी का नाम ECL पे डाला गया, किसी के बाहर जाने पे पाबंदी लगी, किसी मार्शल ला लगाने वाले को नजरबंद किया गया उसके घर में, बोले किसी को किया गया तो एक हमारे मेहरबान परवेज, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब है, जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी, उरूज दिया, लोकल बॉडीज सिस्टम नाफिज किया। लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया वो सलूक किसी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ किया गया, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब का माइंडसेट टोटल फौजी माइंडसेट हो गया है, उनके जहन में आज भी है फौज मेरे साथ है, नहीं आपके साथ फौज, अवाम मेरे साथ है, नहीं है आपके साथ अवाम। जो बहका रहा है आपको झूठ बोल रहा है। आपने क्यों नहीं सोचा कि आपके अलावा किसी और को सजा क्यों नहीं दी गई? मैं आपसे पूछता हूं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जब मार्शल ला नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया था तो आप तो आसमान पे थे, आपको तो गिरफ्तार कर लिया, जनरल महमूद और दीगर लोग जिन्होंने हथकड़ियां लगाई नवाज शरीफ को साहब को और बंदूकें तानी उनके सर पर, कैप्टन्स और कैप्टन रैंक के लोगों तक ने बदतमीजी की उनसे, नवाज शरीफ साहब से, किसी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब अभी भी नहीं समझे, उन्हें अल्लाह ही समझे, और मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूं।
उनके साथ जो सलूक हुआ वो किसी पंजाबी मार्शल्ला लगाने वाले या पठान मार्शल्ला लगाने वाले जर्नेल के साथ हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। आर्टिकल 6 में है कि मार्शल्ला जो लगाए उसका जो साथ दे, उसके सलाहकार जो हो, उसके साथ मुहाजरीन जो हो, हमारे यहाँ पकड़ते हैं ना फला के सलाहकार, फला के सलाहकार, फला के सलाहकार, रेंजर्स वाले पकड़ते हैं। इन रेंजर्स वालों से पूछो, तुम ज़ियाउलहक के जो सलाहकार थे उन्हें जाके क्यों नहीं पकड़ते? रेंजर्स वालों लाड़काना थे, भाग के क्यों आए थे जब पीपल्स पार्टी के लीडर को ने लोगों को जमा करके तुम्हारी बंदूकें छीनी थी? जवाब नहीं होगा इनके पास, ये क्या जवाब देंगे? ये निहत्तों को मारने वाले हैं, निहत्तों को। इतना दमखम होता तो मुतालबे में मुतालबे 70 साल से कर रहे हैं, कश्मीर डे मनाएंगे, कश्मीर में जुल्म हो गया, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में ये कयामत आ गई। अगर 10 लाख की फौज और 10 लाख आपके आपके जिहादी बनाए हुए हैं, जो आपके 20 लाख जाते हमला करते या शहीद हो जाते या कश्मीर को आजाद करा देते, अगर आप में जज्बा शहादत, जज्बा जिहाद होता तो नहीं जाते आप? कराची में कैसे चढ़ चढ़ के आते हैं, अल्ताफ हुसैन के घर कैसे ताले लगा देते हैं, गरीबों को पकड़ के उनकी लाशें मक्सुदा फेंक देते हैं। मैं रेंजर से पूछता हूं, फौज से पूछता हूं, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से पूछता हूं, 1995 को मेरे 70 साल भाई, मेरे 28 साल जवां साल भतीजे क्वालिफाइड NED यूनिवर्सिटी, सिविल सर्वेंट फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर, पूरी जिंदगी पाकिस्तान की खदमत की, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, ना सियासत से कोई ताल्लुक था, ना MQM से कोई ताल्लुक था, ना किसी और सोशल समाजी सियासी जमात से ताल्लुक था। कसूर उनका यह था कि वो मेरे भाई थे, भतीजा था, उनके घर छापा मारा गया 5 दिसंबर 1995 को, 5 और 6 की दरमियानी शब्द, 3 रोज तक उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, उन्हें एक एक भाई बहन के घर ले जाया गया और 9 तारीख को दोनों को आंखों पे पट्टियां बांधकर शहर कराची के मजाफाती इलाके गिदाब पे लेकर उन दोनों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इसका खून किस पर है? मेरे भाई और भतीजे को क्यों मारा गया? एक अल्ताफ हुसैन के जज्बाती नारे पर बहुत वावेला करते हो, मैंने मुल्क तोड़ा तो नहीं था, मैंने तो मुर्दाबाद कहा था, और जिन्होंने मुल्क तो
क्या सजा दी जनरल बाजवा साहब? इंसाफ करोगे या नहीं करोगे आप भी? मैंने आपको खबर लिखा, आज फिर कह रहा हूं आपने जवाब नहीं दिया। जब तक मैं जिंदा हूं मैं एक एक बात से कौम को आगाह करूंगा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। मैं कहां से तलाश करूं अपने भाई और भतीजे के कातिल को? मेरे 15,000 से जायद बहादुर जयाले बाहिम्मत जरूरतमंद नमकने वाले और नगरने वाले जो साबित है उनको पकड़कर उन्हें मावराए अदालत कत्ल कर दिया। लेकिन फौज ने बहुत खूबसूरती से बड़े बड़े लीडरों को छुप छुपा के मिल के उन्हें मराते दी, उन्हें जो जो पेशकशें की। लड़के लड़कियां यूथ हैं, मैं सारी बात उनके सामने नहीं कर सकता, बड़ी बरातें दी, बहुत फैसिलिटीज दी उनको। और जब इम्तहान आया कि शहीदों के लिए चलो रेंजर्स के दफ्तर, माए बहने तैयार, बुजुर्ग तैयार, नौजवान तैयार, लीडर भाग गए, बुरे सारे मजे लिए, मिनिस्टर्स बने। मेयर्स बने, डिप्टी मेयर्स बने, दुनिया की हर मराहत ली। लेकिन कौम के लिए एक चांटा बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे। मेरी माओ बहनों बुजुर्गों, यूथ यूथ, अरे आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे मेरी बात? अच्छा सुने, मैं आपको जरा ये बता दूं, जब परवेज मुशर्रफ का जिक्र आया तो आइए मैं आपको बताता हूं। कागज कलम तो आपके पास है ही, मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक कौन कौन वजीर आजम रहा, कब कब रहा। अब मैं ये बता रहा हूं, पाकिस्तान में कौन कौन कब कब कितने अरसे वजीर आजम रहा, लिख लो मेरे साथियों, लिख लो। खान लियाकत अली खान शहीद पहले वजीर आजम पाकिस्तान थे, 1947 से लेकर 1951 तक, 16 अक्टूबर 1951 तक वजीर आजम रहे, 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी गार्डन लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। इसकी तफसील मैं बता चुका हूं। दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाजिमुद्दीन 17 अक्टूबर 1951 से 17 अप्रैल 1953 ख्वाजा नाजिमुद्दीन 17 अक्टूबर
मैं अगेन चलता हूं। लियाकत अली खां का जो वजारत उज़्मा का दौर है सिर्फ 3 August 1547 to 16 October 1951। ख्वाजा नाजिमुद्दीन का ड्यूरेशन है प्राइम मिनिस्टरशिप का 17 अप्रैल 1953। तीसरे वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 से 17 अप्रैल 1953 to 12 August 1955 12 अगस्त 1955। चौथे वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली 12 अगस्त 1955 से 12 सितंबर 1956 अगस्त 1953 to 12 September 1956 हुसैन पांचवें वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरावर्दी 12 September 1956 to 17 October 1957 12 September 1956 to 1957 17 October 1957 तक इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर इनको उमूमन आई आई चुंदरीगर कहते हैं। ये 17 अक्टूबर 1957 को आए और 16 December 1957 को ही फारिग हो गए बेचारे। भाई है 2 माह अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी हाँ 2 माह का बेचारों को मौका मिला। हाय रे किस्मत। फिर फिरोज खान नून 16 December 1957 to 7 October 1958 फिरोज खान नून 16 December 1957 से 7 अक्टूबर 1958 अय्यूब खान ये भी वजीर आजम रहे जनाब 24 अक्टूबर 1958 से 28 अक्टूबर 1958 चार दिन के लिए। फिर इसके बाद बने नूरुल अमीन 7 December 1971 to 20 December
7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक नूरुल अमीन 10वें वजीर आजम आपके बने जुल्फकार अली भुट्टो साहब। जुल्फकार अली भुट्टो 14 August 1973 to 5 July 1977 ग्यारहवें वजीर आजम बने आपके मोहम्मद खान जुनेजो 24 March 1985 to 29 May 1988 तक 24 March 85 से 29 May 1988 तक 12वें वजीर आजम आए नहीं आई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 December 1988 to 6 August 1990 बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 December 1988 को आई और रुखसत हुई 6 August 1990 को। उसके बाद आए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफा जतोई साहब 6 August 1990 को और 6 November 1990 को चले गए क्योंकि केयरटेकर थे। उसके बाद आते हैं 14वें वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 6 November 1990 6 November 1990 to 18 April 1993 फिर आए 15वें वजीर आजम आपके बल्ख शेर बल्ख भी कहते हैं बहुत से बल्ख शेर मजारी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 18 April 1993 to 26 May 1993 फिर किस्मत का सितारा चमका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का 26 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए ये दोबारा वजारत उज़्मा पे आए 26 मई 1993 को लेकिन 18 जुलाई 1993 को वापस चले गए। आपको पता है फिर उसके बाद 17वें जो वजीर आजम आए वो मोइन उद्दीन कुरैशी साहब थे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे 18 जुलाई 1993 से
16 अक्टूबर 1993, 18 जुलाई 1993 से 19 अक्टूबर 1993 तक मोइनुद्दीन कुरैशी साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर चमका सितारा बेनजीर भुट्टो साहिबा का और फिर वो वजीर आजम बनी 19 अक्टूबर 1993 to 5 नवंबर 1996, 5 नवंबर 96 तक। उसके बाद 19 में प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर आए मलिक मेराज खालिद साहब, 5 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक। फिर एक और मर्तबा सितारा चमका नवाज शरीफ साहब का, निया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, 17 फरवरी 1997 को आए टू 12 अक्टूबर 1999, 17 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक। जफरुल्ला जमाली खान आए उसके बाद वजीर आजम की हैसियत से 21 नवंबर से 21 नवंबर 2002 से 26 जून 2004। उसके बाद हमारे चौधरी साहब का किस्मत का सितारा चमका, चौधरी शुजात हुसैन साहब वजीर आजम बने 30 जून 2004 से 20 अगस्त 2004 तक। 30 जून 2004 से 20 अगस्त 2004 तक। उसके बाद शौकत अली साहब का बैरून मुल्क सितारा चमका बतनगाए और वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया 20 अगस्त 2004 to 16 नवंबर 2007 को आए और रहे 16 नवंबर 2007 तक, 2007 तक। उसके बाद मियां मोहम्मद सोमरो साहब आए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 16 नवंबर 2007 से 25 मार्च 2008 तक। मियां मोहम्मद सोमरो साहब 16 नवंबर 2007 से 25 मार्च 2008 तक 3-3 महीने के लिए होते हैं ना ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद चमका पीर साहब का सितारा गद्दी नशीन है जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब।
ये 25 मार्च 2008 को आए, इन्होंने हल्फ उठाया। 19 जून 2012 तक ये रहे यूसुफ रजा गिलानी साहब, 25 मार्च 2008 को आए, 25th मार्च 2008 टू 19th जून 2012। फिर राजा साहब की बारात आई, राजा परवेज अशरफ साहब 22 जून 2012 से 25 मार्च 2013 तक ये परवेज मुशर्रफ परवेज नाम के काफी आए माशाल्लाह। तो राजा परवेज अशरफ कब से रहे, 22 जून 2012 से 25 मार्च 2013 तक। फिर 27वें वजीर आजम आए, मीर हजार खान खोसो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, 25 मार्च 2013 से 5th जून 2013। उसके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की किस्मत का सितारा और चमका एक मर्तबा, और वो रहे 5th जून 2013 को आए, 5th जून 2013 को आए, जो आज तक मौजूद है, जिनके दौर में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, हजारों बेगुनाह मारे गए, हजारों कैद हुए, मगर वजीर आजम ने बुजुर्ग असातिज़ा तक को नहीं छुड़वाया। खुदा के खौफ से डरिए, अपने वालिद मोहतरम अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, कि मैं उन्हें कांधा नहीं दे सका, कितना अफसोस है। और उस बुजुर्ग प्रोफेसर 75 साल प्रोफेसर डॉक्टर जफर आरिफ, जिसपे कोई मुकदमा नहीं 75 साल, उसको बगैर किसी जुर्म में आज तक रेंजर्स ने गिरफ्तार किया हुआ है, जेल में बंद रखा हुआ है। अमजदुल्ला अमजद को, मोमिन खान मोमिन को, सैकड़ों साथियों को जेल में, मकाफात अमल आएगा, जुल्म जबर नाइंसाफी से हुकूमत कायम नहीं रह सकती, मुल्क कायम नहीं रह सकते, कुफ्र से कायम रह सकते हैं, हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है। मैं साथियों, जब आप ये लिख रहे हैं तो आप ये भी लिख लीजिए, कब कब मुल्क में मार्शल्ला लगा, ताकि मैं फिर आइंदा तीसरे कैसेट में जब बात करूंगा तो उसमें तफसील से और बात बताऊंगा। मार्शल्ला लगा पहला अस्किंदर मिर्जा ने लगाया 7 अक्टूबर 1998 को, सॉरी 58 को, 1958 को 7 अक्टूबर। अय्यूब खान ने 27 अक्टूबर को टेक ओवर कर लिया 1958 को, और फिर 25th मार्च यानी 25 अक्टूबर 1958 को इन्होंने
ले लिया और टेक ओवर कर लिया, और उसके बाद 25 मार्च 1969 तक, 1958 में लिया 1969 तक ये कमांडर इन चीफ रहे, फिर फील्ड मार्शल अय्यूब खान बने, उसके बाद याहिया खान, फिर सदर भी बने अय्यूब खान, फिर याहिया खान कमांडर इन चीफ बने, फिर प्रेसिडेंट भी बने पाकिस्तान के 25 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 टू 20 दिसंबर 1971 तक, 20 दिसंबर 1971 तक। उसके बाद अब आप देखिए एक नया इजाफा होता है, एक नई चीज आती है जो आपने शायद कभी ना सुनी, सुन लीजिए, रोटी कपड़ा और मकान जमहूरियत, सोशलिज्म हमारी मईशत, हाकमियत अवाम की, रोटी कपड़ा और मकान, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब, 20 दिसंबर 1971 को आए और 13 अगस्त 1977 तक, ये प्रेसिडेंट भी थे, कमांडर इन चीफ भी थे आर्म फोर्सेस के, और फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उसके बाद मुजाहिदीन के दस्ते तैयार करने वाले जनरल जियाउल हक साहब आए 5 जुलाई 1977 को, मार्शल ला लगाया, कमांडर इन चीफ रहे, बाद में प्रेसिडेंट बन गए 16 दिसंबर 1978 से 17 अगस्त 1988 तक। ये प्रेसिडेंट बने 16 सितंबर 1978 से 17 अगस्त 1988 तक, लेकिन कमांडर इन चीफ भी रहे और माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर भी। तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए 12 अक्टूबर 99 को और प्रेसिडेंट बने जून 2001 को, और 2007 तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। उसके बाद 18 अगस्त 2001 से 2008 तक ये प्रेसिडेंट रहे, सदारत के ओहदे पर रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ ये 12 अक्टूबर 1999 को आए, फिर ये आने के बाद COS रहे, कमांडर इन चीफ रहे 2007 तक, फिर ये सदर बन गए
बदल रहे। 2001 से मेरे साथियों, मैंने आज आपको दूसरे तालीमी दर्स में एजुकेशन में जो बातें बताई हैं उसे गौर से याद रखिए। मैं आऊंगा जामिया कराची की तरफ भी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ अहम बातें बतानी है कि मुहाजिरों के साथ कब कब किस दौर में क्या हुआ, जिसका थोड़ा थोड़ा तस्करा मैं पहले कैसेट में कर चुका हूं, दोबारा करूंगा ताकि याद दहानी हो, रिपीटेशन हो तो माफ कर दीजिए, आप सब मां बहनों बुजुर्गों सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। जब तक मेरी जिंदगी है मैं इल्म की रोशनी जो अल्लाह ताला ने मुझे दी, जितनी दी, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और बदांगे दल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अमर बाजवा जावेद बाजवा साहब से दरख्वास्त करूंगा, खुदा के वास्ते मुहाजिरों पर जुल्म बंद कराएं, रेंजर्स वाले खुले आम, ब्रिगेडियर जनरल कर्नल घर वालों को माँ बाप को साथियों को धमकी दे रहे हैं, जेलों में जाके धमकी दे रहे हैं, फला ग्रुप में शामिल हो जाओ, फला ग्रुप में शामिल हो जाओ, हर चीज माफ हो जाएगी। फौज ये नहीं करना चाहिए, फौज को ये फौज का काम नहीं है। खुदारा फौज को पार्टियों की ग्रुपबंदी बनाने में इनकी तवानाइयां खर्च मत कीजिए, कल जंग हो गई, खुदा की कसम अगर ये इनकी आदत पड़ गई, ये एक मिनट जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, भाग जाएंगे। 71 की तरह बहुत बड़ी तादाद फिर हथियार डालने पर मजबूर होगी। मेरी बातें बहुत बुरी लगती होंगी आपको, लेकिन हकायक है। मुहाजिर एंकर पर्सन मजबूर है या वफाक परस्त है, एक वो है जो मजबूर है, एक है मफाद परस्त जिनका कोई दीमान नहीं होता, जो बेशर्म होते हैं, बेहया होते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच बोलते हैं। और एक बात फिर क्लियर कर दूं, मैं सारे पंजाबियों को नहीं कह रहा, पंजाबियों का टोला कह रहा हूं, जो शावनिस्ट है जिसने पूरे पंजाब का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, पाकिस्तान सबका है, सबको फौज में बराबर का हिस्सा दो। महाजरों को मध्य वतन समझते हो, 20% महाजर 5 करोड़ है, 20% महाजरों को फौज में हिस्सा दो, पुलिस में हिस्सा दो। लेकिन नहीं, आपको कराची चाहिए, कराची जब तक हम जिंदा हैं आप मार कर कब्जा कर सकते हो, पर कराची आपके हवाले नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, उसके लिए हमें दुनिया के किसी खत्ते से मदद क्यों ना लेनी पड़े, हमारा हक है बाइज्जत जीने का। हम दुनिया के हर मुल्क को उसका दरवाजा खटखटाएंगे, हमारी मदद करें, हम इज्जत के साथ मरना चाहते हैं। गुलामों
की जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। साथियों, आइंदा तीसरा कैसे कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आएगा। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। عزیز تحریک ساتھیوں, ماں بہنوں, بزرگوں, خاص طور پر یوتھ, خصوصاً میرے مہاجر بیٹے بیٹیوں, لڑکے لڑکیوں, طلبات, میں یہ جو اب اضافی پیغام کروا رہا ہوں یہ کیسٹ نمبر 2 کا ہی حصہ ہے۔ اس میں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ساتھی نے میسج سننے کے بعد میری توجہ اس بات پر دلائی کہ یہ جو آپ نے ہسٹری بیان کی ہے تو پرائم منسٹرز کون کون رہا, مارشا اللہ کب لگا, تو ساتھی شاید کچھ یہ سوچیں کہ اس کی وجہ کیا تھی, یہ تو ہم کہیں اور سے بھی دیکھ لیتے۔ میرے ساتھیوں, یہ بہت آسان ہوتا ہے, ہم ادھر دیکھ لیں گے, ہم ادھر دیکھ لیں گے۔ جب میں تاریخی باتیں نوجوانوں کو, یوتھ کو بتا رہا ہوں تو میں وضاحت کر دوں کہ کون کون کب کب کس دور میں پرائم منسٹر رہا اور کس کس دور میں, کس سن میں, کس سال, کب سے کب تک کون مارشل لا کے تحت حکومت کرتا رہا۔ کیونکہ یہ موازنہ اس لیے ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان نے پاکستان جو بنایا تھا وہ جمہوری طرز حکومت پر پاکستان کی تشکیل دی تھی, جہاں مارشا اللہ یا فوج کا حکومت میں عمل دخل کا کہیں دور دور بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو آپ ذرا سال گن لیجئے کتنے عرصے وزرائے اعظم رہے اور کتنے عرصے فوجی حکومتیں رہیں۔ فوجی حکومت یا مارشل لا کا ایک جمہوری ملک میں اقتدار میں آنا, حکومت میں آنا کوئی معنی نہیں رکھتا, بلکہ جمہوریت کی نفی کے مترادف ہے۔ اور ایک اور بات سن لیجیے, آپ خلفائے راشدین کی حکومتوں کا جائزہ لیجیے, کسی خلافت, کسی خلیفہ کے دور میں, دور حکومت میں
सिविलियन तो हुक्मरान रहे, फौजी कभी हुक्मरान नहीं रहे। इस बात पर आप गौर फरमाइए। अब यहां एक और बहस छिड़ेगी कि उस जमाने में बाकायदा तनखादार फौज नहीं हुआ करते थे। जाहिर है तनखादार फौज का तसव्वुर ये जब ममालिक का, जब रियासतों का, राजवाड़ों का, जागीरों का नैमुल बदल मुल्कों की शक्ल में आया और उनके जोग्राफियों का तायुन हुआ तो मुल्क के दिफा, सरहदों की हिफाजत की जरूरत पेश आई और मुल्क के दिफा और बैरून में मुल्क की अफवाज या हमला आवरों से बचाव के लिए बाकायदा तनखादार फौज मुकर्रर की जाने लगी, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। तो साथियों, आप काउंट कर लीजिए, 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। इन 70 सालों में कितने साल जमहूरी हुकूमतें रही और कितने साल माशाल्लाह की हुकूमत रही। इस हिसाब से अगर आप जायजा लें तो दुनिया की किसी भी जमहूरी अदालत में आप ये फैसला लेकर जाएं तो हर जमहूरी इदारा, हर बादशाह की दौरे हुकूमत की न सिर्फ मुखालफत करेगा बल्कि उनकी सजा भी तजवीज करेगा। हाँ, वो जिंदा हो या मर गए हो। जैसे बर्तानिया में मार्शल्ला लगाया एक जर्नैल ने, जर्नैल क्रॉमवेल ने, वो मर गया। जब जमहूरी हुकूमत वापस आई तो फैसला हुआ कि जमहूरी हुकूमत ने मार्शल्ला कैसे लगाया, उसकी कब्र को खोदा गया जर्नैल की, और क्रॉमवेल जो आज हॉस्पिटल है यहां पर उसकी बॉडी को कई हफ्तों तक लटकाए रखा इबरत के निशान के तौर पर। ये नौजवानों को बताना जरूरी था, बहुत जरूरी था कि जमहूरी मुआशरे में फौज का हुकूमत में अमल दखल हो सिरे से होना ही नहीं चाहिए और हर फौजी कसम उठाता है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, ना कोई सियासी अमल करूंगा। आज चाहे वो कचालू ग्रुप हो, आलू ग्रुप हो, छोले ग्रुप हो, कमालू ग्रुप हो, सीआईबी कबाब वाले का ग्रुप हो या पान वाले का ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, ये सब पाकिस्तान की रेंजर्स और फौज के अफसरान ने तश्कील दिए हैं और आज तक दे रहे हैं। जो आईन, कानून, शराफत, जमहूरी उसूलों के
खिलाफ है। ये बताना नौजवानों आपको जरूरी था, लिहाजा ये निगाहत करनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जिनायत, बड़ी मेहरबानी। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।